शंतनु। हाँ। इशू कहाँ है? वो मेरे निकलने का टाइम हो रहा है ना, सोच रही थी कि जाने से पहले एक बार बच्चे से मिल लूं। कौन यार ईशा, तुम अभी अभी तो आई हो, तो इतनी जल्दी जा रही हो? क्या कह रहे हो, मुझे जाना तो होगा शंतनु। ए, तुम अभी आई हो, अच्छा दो तीन दिन रुक जाओ। दो तीन दिन? कैसे पॉसिबल है? और सभी की आजी भी तो आई है ना मेरे साथ, मुझे वापस छोड़ने तो उन्हें जाना ही होगा। और मुश्किल से आज एक दिन की छुट्टी मिली है। I have to report back tomorrow. तुम्हारे पास ना बोलने के हमेशा बहुत बहाने होते हैं ना? और तुम्हारे पास रोकने की। प्रिंसिपल मैम का फोन है, एक मिनट। गुड इवनिंग मैम, टेल मी। ईशा मैम, आपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया था और आपने मुझे बताया तक नहीं। नहीं मैम, मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किया है। कमाल है, आपका ट्रांसफर ऑर्डर आया है एजुकेशन बोर्ड से, आपको महाराष्ट्र जोन में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने तो ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया नहीं है मैम। कर सकते हैं, आप ऑलरेडी वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट की लाडली भी हैं। लगता है उनको आपका काम इतना पसंद आ गया कि उन्होंने आपका ट्रांसफर ऑर्डर इशू कर दिया। बाय द वे, आपको कल पूना ऑफिस में रिपोर्ट करना है। मैम मैं पुणे में ही हूँ। ओह ग्रेट, तो मैं आपका ट्रांसफर ऑर्डर कुरियर से भिजवा देती हूँ। आप अपना पुणे का एड्रेस मुझे भेज दीजिए एंड प्लीज कल टाइम पे रिपोर्ट कीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। ईशा मैम, क्या हुआ? स्ट्रेंज, मेरा ट्रांसफर हो गया शंतनु, यहाँ पुणे में। यहाँ 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 पुणे में? ओके okay. मतलब मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, ऐसे कैसे अचानक, अब कहाँ रहूंगी ना, इतनी इतने कम टाइम में घर कैसे ढूंढूंगी? लाइक सीरियसली, तुम्हें यहाँ पुणे में यू नो, एक तो तुम यहाँ आई हो अपने बेटे के कहने पे, मेरे कहने पे नहीं। तुम यहाँ रुक रही हो पुणे में क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, मेरी वजह से नहीं। और ऊपर से तुम मेरे मुंह पे मुझसे ही कह रही हो कि तुम्हें यहाँ घर ढूंढना पड़ेगा इस शहर में। मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारा घर ऑलरेडी है पुणे में। यू नो व्हाट, तुम्हारा सारा सामान बिल्कुल वैसा का वैसा रखा हुआ है। एंड व्हाट मोर थिंग, रोज बाई आती है साफ सफाई करने, दैट्स इट। मैं कुछ नहीं, तुम यहाँ पुणे में और कहीं नहीं रहोगी, तुम हमारे घर में रहोगी, तुम्हें घर में ही रहना पड़ेगा, बस अपने घर में, that's it. ए बॉस, इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं है शंतनु, डीप ब्रेथ्स। ठीक है तो मैं हमारे घर में रुकूंगी, लेकिन अश्विनी ताई को तो इन्फॉर्म करना होगा ना। हाँ मम्मी तना सांगू नहीं थे। हाँ अचानक से ना, हाँ शांतनु। जुबैर, जुबैर मिया, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तेरी वजह से ईशा का ट्रांसफर हो गया यार पुणे में। अरे होता कैसे नहीं, मेरे जिगरी यार ने पहली बार किसी काम के लिए फेवर मांगा था और जिसके लिए ये फेवर मांगा वो भी हर लिहाज से काबिल है। रियली शांतनु, इस पोजीशन के लिए ईशा भाभी से ज्यादा काबिल और कोई नहीं। हाँ यार मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच। अरे इट्स ओके यार, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, आगे कुछ हो तो बताना, ठीक है? हाय। निशी, हेलो बाड़ा। जा रहे हो निशी? वो देर भी बहुत होगी और अस्मिता भी मेरे हाथ देख रही होगी। हाँ वो तो है, लेकिन इस बार तो मुझसे मिलने नहीं है। वो आप थोड़ा बिजी लग रही थी ना, तुम, मैंने सोचा कि क्या ही डिस्टर्ब करूं आपको। मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूं निशी, तुमसे बात करने के लिए मैं टाइम तो जरूर निकालूंगी।
जुड़वा सा लगना ठर ले। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे सभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आप इतनी दूर आएंगी मैंने सोचा नहीं था। जहाँ मेरी सभी की खुशी का सवाल है वहाँ तो मैं आऊंगी ननिश। और इस बार तो अच्छा हुआ कि इसी बहाने में सभी की आजी को भी अपने साथ लिया। नया वर्ड लगा तुला? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे थे इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती थी ये तो। अरे ऋषि अन्नी जा रहे हो क्या तुम, कुछ खाया कि नहीं? नादा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि आप मेजबान और मैं मेहमान हूँ। तो अभी भी गुस्सा है? नहीं नहीं दादा मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बुरा तो लगता है ना दादा जब कोई अपना आपको अंधकार में रखकर आपके पीछे कुछ ऐसी चीजें करता है जो आपको पसंद ना हो तो बुरा तो लगेगा ना दादा। क्या मतलब, किसकी बात कर रहा? स्टाफ से पता चला बर्थडे सेलिब्रेशंस के बारे में, उनके चहेते प्रोफेसर ने किया है सब कुछ। ईशान की बात कर रहा? नहीं नहीं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, सारे स्टाफ कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं। दादा मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो आपको और वहीनी को पता होना चाहिए ना। लेकिन दादा बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अभी किसी से कुछ भी नहीं छुपा है, वो आजकल बहुत कुछ कर रहा है उस लड़की के लिए। कहना क्या चाहते हो निशी, साफ साफ कहो। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा वहीनी, हमारा स्टाफ कह रहा है, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं। वही नहीं मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूं। दादा घर पे आइए बात करते हैं। नहीं मैं आज घर नहीं आऊंगा, राव साहब और अक्का साहब को बता देना ताकि वो परेशान ना हो। दादा आप उनकी परेशानी की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना मैं देख लूंगा, आपको जब वक्त मिले तब बात करेंगे। ये बाड़ा क्या कह रहा था ये? कुछ नहीं, leave it, just ignore it, बकवास की बात। मुझे जानना है शंतनु, ये क्या कह रहा था? शब, उन लोगों को लगता है कि तुम सभी के जरिए शान की जिंदगी में वापस आना चाहती हो और उन दोनों को साथ लाना चाहती हो। कितनी घटिया सोच है, मेरा इशू मुझसे बात तक नहीं करना चाहते और ये लोग और मैं सभी का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऐसे कैसे सोच सकते हैं? मैंने कहा ना तुमसे just let go, ignore it, ये इन बातों में कोई लॉजिक नहीं है। सही कह रहे हो, इनकी बातों पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। यार सभी की फैमिली कितनी स्वीट है ना, ताई ने मुझे ईशान सर को थैंक्स बोलने के लिए क्यों कहा? अगर ये सब बाजीराव सर का आइडिया नहीं था तो फिर किसका था?